सब्सक्राइब कीजिए वर्ल्ड वाइड ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप कुमार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड ट्यूटोरियल चैनल को। दोस्तों, आप जो यहाँ पे नीचे तीन बटन्स देखते होंगे, यहाँ पे एक रिसेंट का बटन रहता है, एक होम का बटन रहता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक बैक का बटन रहता है। अगर ये तीनों बटन आपके स्क्रीन पर से गायब हो जाए तब आपको कितना मज़ा आएगा चलाने में इस फ़ोन को, और आप चलाओगे कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। और इसको मतलब गायब कैसे करते हैं ये सारे सेटिंग अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, नीचे जो लाल कलर का बटन दिया हुआ है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल में जो बेल का आइकन दिया हुआ है उसे भी क्लिक कर लें, ताकि जो हमारे वीडियो का आने वाले नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग को इस बटन को गायब करना है जो कि रिसेंट बटन है, होम बटन है और बैक बटन है, तो सबसे पहले हम लोग को चलना होगा अपने सेटिंग में, ठीक है। दोस्तों, सेटिंग में जाने के बाद नीचे आप जाओगे जैसे ही, तो यहाँ पे फुल डिस्प्ले का जो ऑप्शन होगा, फुल स्क्रीन डिस्प्ले, उसका ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखिएगा, यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पे ऊपर में देख लोगे आप बटन्स लिखा हुआ है, यहाँ पे सेलेक्ट रहता है, ठीक है। लेकिन आपको करना है यहाँ पे फुल स्क्रीन जेस्चर पे, ठीक। जैसे ही आप इसको कर दोगे, आपको सीखना है तो लर्न कर लो यहाँ पे, नहीं तो हम यहाँ पे नोट नाउ करते हैं और आगे आपको बताते हैं कैसे होगा, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ नोट नाउ किए, यहाँ पे देखिए आप तीनों बटन से यहाँ से गायब हो चुके हैं। यहाँ पे कर रहे हैं रेडमी का जो मोबाइल है उस पर, तो हम मेनली इसी का भी बता रहे हैं क्योंकि अपडेट इसी का आया हुआ है, ठीक है। और दूसरा मोबाइल का हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि अगर आप दूसरा मोबाइल यूज कर रहे होगे तो उस मोबाइल का कुछ अलग फंक्शन होगा, तो उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। तो आगे इसमें आप देखिए आप इसको यूज कैसे करोगे, जैसे अगर आपका ये तीनों बटन गायब हो गया तो अगर आपको रिसेंट में जाना है तो आप कैसे जाओगे, तो नीचे से जो होगा यहाँ से सीधा स्लाइड अगर आप करते हो, यहाँ पे बीच में लाते हो, तो यहाँ देखिए आप रिसेंट में आ गए, यहाँ से आप जो करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको बैक जाना है कहीं से, अगर यहाँ पे आपको अगर बैक जाना है तो इधर से भी स्लाइड करोगे तो बैक चले जाओगे, या इधर से भी स्लाइड करोगे तो बैक चले जाओगे। होम बटन का यूज आप कर पाओगे, यहाँ पे सीधा अगर आप नीचे से ऊपर स्लाइड करते हो तो आप ये होम बटन का यूज हो जाएगा, और यहाँ से ये अगर आप यहाँ पे करते हो, इसको साइड से स्लाइड करते हो तो ये बैक होगा, और इस साइड से भी बैक होगा, ठीक है दोस्तों। और नीचे से सीधा स्लाइड करके अगर बीच में लाते हो तो ये जो होगा रिसेंट बटन होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये Xiaomi का अपडेट था। अगर आप आपके मोबाइल में ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर यहाँ से जाके, यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपडेट चेक कर ले, आप में अपडेट आया हुआ हो तो आप अपडेट कर लीजिएगा, तो आपने ज़रूर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद।